रनिंग करते समय कैसे ब्रीदिंग करना है, यूजिंग योर नोज और यूजिंग योर माउथ? सी, एवरीथिंग विल डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी एट विच यू आर रनिंग. यस, बट आई ब्रीथ थ्रू माय माउथ. अगर आप काफी ज्यादा फास्ट पेस पे रनिंग कर रहे हो तब आपके मसल्स के ऑक्सीजन डिमांड्स काफी बढ़ जाते हैं, तो उस केस में आप माउथ का असिस्टेंस भी ले सकते हो फॉर योर ब्रीदिंग. मोस्ट ऑफ द स्प्रिंटर्स एंड इवन एलियड किपचोगे, हु इज द फास्टेस्ट मैराथन रनर इन द वर्ल्ड, वो भी अपना माउथ यूज करते हैं व्हेन दे आर रनिंग. बट अगर आप काफी लो इंटेंसिटी में रनिंग करते हो, जैसे कि जोन 1 या जोन 2 रनिंग, तो उस केस में आप नेजल ब्रीदिंग को थोड़ा प्रेफरेंस दे सकते हो ओवर द माउथ ब्रीदिंग. बट जैसे जैसे आपका रनिंग का इंटेंसिटी बढ़ते जाएगा, तो यू कैन ऑल्सो स्टार्ट एडिंग द असिस्टेंस ऑफ योर माउथ अलॉन्ग विद द नोज इन द इनहेलेशन, एक्सहेलेशन और इन बोथ द फेजेस. मैं जनरली अपने रनिंग को नेजल ब्रीदिंग से ही स्टार्ट करता हूँ, और फिर जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ता है मेरे रन्स का, तो आई यूज़ द माउथ असिस्टेंस फॉर एक्सहेलेशन, और फिर अगर बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी बढ़ जाता है तो आई यूज़ बोथ द नोज एंड माउथ फॉर माई ब्रीदिंग. बट ऐसा कोई सेट पैटर्न नहीं है ब्रीदिंग का. व्हाटएवर मेक्स यू मोर कंफर्टेबल, यू शुड फॉलो दैट.